जल्दी से देख लेते हैं प्रपोर्शंस, प्रपोर्शन का खेल क्या होता है। तो प्रपोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी चीज है। मैं बोर्ड पर शायद उतना अच्छे से नहीं समझा पाऊँ, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रपोर्शन का मतलब होता है कि लेंथ इज टू विड्थ। एक बार मैंने पहले भी एक बताया, बिल्कुल वही एग्जाम्पल मैं फिर से दूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, कि अगर 12 फीट 3 इंच है और लेंथ ऑफ 12 फीट 3 इंच ही विड्थ है, तो एरिया कितना आ रहा है? 150। तो अगर ये एरिया स्क्वायर है, ये वही 150 स्क्वायर फीट यदि स्क्वायर है और वही 150 स्क्वायर फीट यदि रेक्टेंगल है, तो आपको क्या लगता है कि ये किचन ज्यादा सही रहेगा, ये किचन ज्यादा सही रहेगा? ये हमने एक बार पहले इस बात पर बात की है, तो जिनको जिनने करके देखा है या जिनको पता है वो लोग बता देंगे सही, लेकिन किसको स्क्वायर सही लगता है, किसको ये ध्यान से सुनिएगा। सेंटर में मेजर एलिमेंट्स रखे हैं और कॉर्नर पे माइनर एलिमेंट्स रखे हैं, तो उसका डिजाइन अलग होगा। और एक रूम जिसमें कॉर्नर्स पे मेजर एलिमेंट है और सेंटर में है नहीं, ये माइनर एलिमेंट्स। ये पर्सन एक्चुअली सेंटर में खड़ा होकर कुछ काम कर रहा है, जबकि बेडरूम में ऐसा नहीं होता है। बेडरूम में क्या होता है, सेंटर में मेजर एलिमेंट है वो होता है बेड, या क्लोज सेंटर में होता है, सेंटर में मेजर स्पेस घेरा होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, जिन जगहों पर इस तरह की व्यवस्था होती है, जिन स्पेसेस में इस तरह की व्यवस्था होती है, दोस स्पेसेस बेटर बी रेक्टेंगुलर, एंड जहां पर इस तरह की व्यवस्था होती है दोस स्पेसेस बेटर बी स्क्वायर। अब ड्राइंग रूम के केस में बात करते हैं, ड्राइंग रूम जो होता है वो स्क्वायर प्रेफर किया जाना चाहिए। दो साइड दरवाजे होते हैं ड्राइंग रूम, बेडरूम में सिंगल साइड होता है और लिविंग रूम तो पूरा हर तरफ से ओपन हो जाए। प्रपोर्शन वाली जो चीज है, आप इसको एक्सट्रीम रेक्टेंगल मत कर दीजिएगा, 10x15 फीट एक्चुअल में बहुत एक्सट्रीम रेक्टेंगल। आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि 10.5x13.5, तो रफली वो भी रेक्टेंगल ही हुआ, लेकिन थोड़ा बेटर अप्रोच है रेक्टेंगल की तरफ। एकदम एक्सट्रीम रेक्टेंगल का मतलब होता है कि लेंथ इज टू विड्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एरिया वही है 150 स्क्वायर फीट है, लेकिन लेंथ से डेढ़ गुना है, विड्थ से डेढ़ गुना है लेंथ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत बना हो जाएगा। 10x13.5 भी लगभग लगभग उतना ही जाएगा, 150 स्क्वायर फीट के आसपास ही जाना चाहिए। तो ये जो प्रपोर्शन है, इन चीज़ों का, ये प्रपोर्शन का आपको ध्यान रखना है डिज़ाइन करने के लिए।